फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं सिद्धू के, वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अंतिम अरदास में आज शामिल होना हर कोई शख्स चाह लेता है। और ये देखिए किस तरीके से पोस्टर्स लेकर, झंडे लेकर, गाड़ियों में लगाकर यहां पर लोग अंतिम अरदास में पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है, परिवार वालों में भी इसी बात को लेकर नाराजगी थी। अमित शाह से भी देखिए मुलाकात उनकी हुई थी और ये कहा गया था कि जांच अब कुछ इस दिशा में कराई जाए ताकि जल्द से जल्द उनके बेटे को इंसाफ मिल पाए। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, वो वक्त था जब अंतिम यात्रा में वो निकले थे, 30,000 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे बिना किसी निमंत्रण, सिर्फ दिल से दिल का कनेक्शन था। आज भी कुछ वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं जब लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं अंतिम अरदास में जुटने के लिए। अर्पिता, आज अंतिम अरदास है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जन सैलाब का एक रिकॉर्ड बनेगा। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, आपको मैं ये कैमरा दिखा रहा हूँ और जिस जगह पर ये श्रद्धांजलि समारोह है वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन जहाँ पर भी नजर जाती है वो ट्रक मेरे पीछे खड़ा, आप देखिए ट्रक के ऊपर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर जो पीछे लोग आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, क्राउड आपको जरूर दिख रहा होगा हुजूम का, सबके हाथ में झंडे लगे हुए हैं और ये सब लोग दूर दराज से आ रहे हैं। और ये वो भीड़ है जिसको ना किसी ने बुलाया है, ना कोई किसी तरह का कोई किसी ने इनके लिए अरेंजमेंट किया है, लोग अपने आप से आ रहे हैं। 1 किलोमीटर की दूरी पर ये हैलाब हाल है, जन सैलाब है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये ट्रैक्टर आप देखिए, ट्रैक्टर के ऊपर सिद्धू मूसेवाला का ये झंडा लगा हुआ है। बुजुर्ग महिलाएं आपको इस ट्रैक्टर के अंदर दिखाई दे रही है, बुजुर्ग जवान बच्चे, दूर दराज से लोग यहां पर आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को एक श्रद्धांजलि लोग अपने दिल से दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला लग रहा है कि कहीं चले गए हैं या हम सबके बीच में। आज भाई जी, अज उन्हों का प्यार बोलता है, सानू मिल रहा कुछ दसन की लोड़ नहीं हैगी, जो सारा दे कितने, जो असी तो इतों ही उम्मीद करते हैं भी बाई नाल इंसाफ होना चाहिए। तो अब जो चाहने वाले हैं देखिए सत्येंद्र, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई देखिए गिरफ्तारी नहीं बड़ी हो पाई है, वो शूटर्स अभी तक जख्मी नहीं आए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था।